हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की है। आइए देखते हैं इसमें खास क्या है। यहां पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को मैंने ओपन किया। आपको डेटाबेस बनाना है तो आप यहां से जा सकते हैं। यहां पर देखिए ये डेटाबेस दिया गया। सबसे आसान तरीका ये है कि इस डेटाबेस पे जाकर के राइट क्लिक करिए और यहां पे न्यू डेटाबेस नजर आ जाएगा। आप यहां पर इस डेटाबेस को कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक नाम दे देता हूँ, RAM राम। राम नाम से एक डेटाबेस हम बना रहे हैं और ये डेटाबेस अब बन गया। लेकिन यहाँ पर आपको डेटाबेस दिखेगा नहीं, तो दिख जाए इसके लिए आपको यहाँ से रिफ्रेश एक बार करना है। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा ना तो इसमें राम नाम से डेटाबेस दिख जाएगा। ये हमारा डेटाबेस है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर जाना है आपको, डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो यहाँ पर आपको टेबल दिखेगा, आप टेबल पर जाकर राइट क्लिक कीजिए, नई टेबल बनानी है और यहाँ पे टेबल ही बनानी है तो ये टेबल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कॉलम का नेम पूछेगा। तो यहाँ पर कॉलम का नेम क्या देंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉलम का नेम दे देता हूं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट और इसका डेटा टाइप हमने क्या रखा, एन कैर रखा, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ एज कर देते हैं और एज का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, फ्लोट रखेंगे, फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया अलाउ नल, तो नल वैल्यू अलाउ होगी तो नहीं, नल वैल्यू हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आप चाहे तो प्राइमरी की बना सकते हैं किसी एक फील्ड को, लेकिन आप नेम ऑफ स्टूडेंट को प्राइमरी की नहीं बना सकते, एज को नहीं बना सकते। हम यहाँ रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं, तो ये हो गया रोल नंबर। तो रोल नंबर को हम प्राइमरी की बिल्कुल बना सकते हैं। तो प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ सेट एज प्राइमरी की आएगा, तो बस यहाँ से प्राइमरी की बना लीजिए, ये काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ फाइल पे जाके इसको सेव करते हैं। तो यहाँ देखिए ये सेव का बटन आपको नजर आ जाता है, सेव एज टेबल वन या जो भी है। तो ये टेबल वन के नाम से सेव करने की बात कर रही है, लेकिन हम जो है इसमें चेंजेस करेंगे और हम यहाँ स्टूडेंट के नाम से इस टेबल को सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया हमारा टेबल। लेकिन इस टेबल का फायदा क्या हुआ, तो इस पर डबल क्लिक जब हम करते हैं तो हमें नीचे हमारी टेबल दिखाई पड़ती है, dbo.student। तो इस पे हमें क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज करना है। आपको इसी पे क्लिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब रोल नंबर में तो रोल नंबर आएगा, एज में एज आएगा, नेम में नेम आएगा। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम रोल नंबर में कुछ एंटर करें, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट में राम एंटर किया, एज में मान लीजिए 30 एंटर किया और यहाँ रोल नंबर में 1 एंटर कर दिया। यहाँ देखिए ये तो एंटर हो जा रहा है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो रोल नंबर हम एंटर एज हम जो एंटर कर रहे हैं वो डेसिमल में ना आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का एज 20.5 ईयर है, तो ये एंटर हो जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। तो हमें इसका डेटा टाइप चेंज करना होगा। तो डेटा टाइप कैसे चेंज किया जाए, ये भी एक सवाल है। तो इसी को देखने के लिए हम अब क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा न्यू क्वेरी, ठीक है। तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करते हैं न्यू क्वेरी पे तो इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके का सिनेरियो आपको दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट कमांड चलाना है। तो ये लिखा सेलेक्ट और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला साइन लगाइएगा और फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है हमें, तो सेलेक्ट हमें करना है हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और जैसे ही स्टूडेंट हो जाएगा तो स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ से टर्मिनेशन दे देते हैं। तो देखते हैं कि हमारी टेबल किस प्रकार से बनी है, जब इसको एक्सिक्यूट कराएंगे तो वो टेबल ही हमें नजर आ जाएगी। तो देखिए यही वो टेबल है जो हमने बनाई थी, ये तो हमें नजर ही आ रही है, ठीक है। इसके पहले भी दिख रही थी, लेकिन सवाल ये है कि डेटा टाइप कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्टर कमांड चलाएंगे। तो ये हो गया अल्टर और टेबल लिखेंगे और फिर टेबल का नाम देंगे। तो हमारे केस में टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो जो नाम है वही यहाँ पे दे देना है और ये दे करके एंटर कर देते हैं। नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं अल्टर, यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको, अल्टर, और फिर कॉलम को अल्टर करना है। तो ये कॉलम लिखा हमने और किस कॉलम को अल्टर करना चाहते हैं तो उसका नाम हमें दे देना है। तो जैसे स्टूडेंट में एक कॉलम है एज, इसी को अल्टर करना है और इसका डेटा टाइप हमें क्या करना है, मॉडिफाई करके इंट कर देना है। क्या करना है, इंट कर देना है। तो यहाँ इंट करके और तब आपको देना है टर्मिनेशन और अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सिक्यूट करवा देना है। तो देखिए ये लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो कमांड जो है हमारा कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, यानी ये पूरा चल गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसको देखेंगे कैसे, क्योंकि अगर आप सोचते हैं
कि यहाँ पे डिस्क्राइब कमांड चल जाएगा, तो यहाँ डीईएससी लिख करके और जैसे ही आप स्टूडेंट देते हैं तो एक बार चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर आए और इसको जैसे ही चलाएंगे ना तो ये एरर जनरेट कर देगा, तो यहाँ पर तो ये काम नहीं कर रहा है MySQL के जैसे, तो फिर कैसे काम करेगा ये। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, यहां पर आपको लिखना है ESXEC एक्सिक्यूशन, यानी EXEC लिख देना है और फिर यहां पे लिखिएगा SP अंडरस्कोर हेल्प। क्या लिखेंगे? अंडरस्कोर हेल्प लिखेंगे और यहां पर डेटाबेस का नाम देना है, तो सॉरी टेबल का नेम देना है। तो यहां पे स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है, यही है ना, देख लीजिए नाम यही होना चाहिए, तो यही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहां पर लिख देना है नीचे गो। ठीक है, और अब इसी को सेलेक्ट करके और इसी को चला देना है। तो एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या कोई इसका इफेक्ट आता है या नहीं आता है, क्या पता डेटा टाइप जो है हमें शो हो जाए इससे। तो यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सारा का सारा डेटा टाइप हमको पूरा डिटेल में ये शो करके दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो है नेम ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार का डेटा टाइप है, एनकेयर। यहाँ पे देखिए ये एनकेयर आ रहा है और एज जो है चेंज हो गया, पहले एज हमने क्या रखा था, फ्लोट रखा था। देख सकते हैं ये एज वाला कॉलम और इसका डेटा टाइप क्या हो गया है, डेटा टाइप हो गया है इंट। ठीक है, इसी तरीके से किसी का भी आप डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, न सिर्फ MySQL में बल्कि SQL सर्वर में भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात ये समझ में आई होगी कि कैसे डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर एज का डेटा टाइप वापिस से हमें क्या लाना है, फ्लोट लाना है, तो क्या करेंगे, फिर यहां पर चेंज करेंगे कैसे, देखिए यहां पर सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, बस यहां पर आपको क्या करना है, फ्लोट लिख देना है। क्या करना है, फ्लोट लिख देना है, FLOAT फ्लोट। ठीक है, तो ये फ्लोट लिख दिया, अब इसको चला देना है, एक्सिक्यूट कर देना है, दोनों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहां से एक्सिक्यूट कर दीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी एज जो बन गया था जो है इंटीजर उसको हमने वापस से फ्लोट बना दिया। ठीक है, अगर इंटीजर होता तो हम केवल प्लस या माइनस में वैल्यूज ही एंटर कर पाते, लेकिन इनके सब ये फ्लोट हो गया है तो हम पॉइंट में भी वैल्यूज एंटर कर पाएंगे अब। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं क्या इसकी स्थिति रही, तो इसी को ये जो कमांड है EXECSP_help और फिर टेबल का नाम, इसको चला देते हैं एक बार फिर से। तो जैसे ही चलाया तो अब देखिए एज का डेटा टाइप क्या बन गया है, फ्लोट बन गया, देखिए यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, फिर अगर किसी और में चेंज करना चाहें तो और में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे क्या हम इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं दे देते हैं वेर कैर, तो यहाँ पर ये वेर कैर बन जाएगा और साइज इसकी 30 रख देते हैं, और 30 रखने के बाद अब इसको चलाने की बारी है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और एक ही बार में इसको एक्सिक्यूट करेंगे, और जैसे एक्सिक्यूट करेंगे देखिए ये वेर कैर बन गया। पता कैसे चलेगा, तो यही EXEC SP_help और फिर टेबल का नाम यही वाला कमांड चला देंगे। तो देखिए अब एज का डेटा टाइप क्या बन गया, वेर कैर बन गया। तो इस प्रकार से डेटा टाइप चेंज करना बड़ा आसान है, उम्मीद करता हूं कि इससे काम आपका बन जाएगा और MySQL में और SQL सर्वर दोनों में से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।